नमस्कार बच्चों, आज हम 3 जून का करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हैं। महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही जरूरी हैं। पहले हम कुछ मुख्य समाचार हैं उन पर एक नज़र डालेंगे, उसके पश्चात जो 15 MCQ हैं उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न नहीं है, एक खबर है कि रिलायंस और टाटा समूह को टाइम पत्रिका की दुनिया में सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया गया। अगली खबर जो आपके सामने है, TCS और IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए साझेदारी की है। अगला है, भारतीय वायुसेना की टुकड़ी अलास्का में रेड फ्लैग 2024 अभ्यास में शामिल हुई। नेक्स्ट है, केरल ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग की शुरुआत की। अगला, स्वीडन ने उन्नत रडार विमानों के साथ यूक्रेन की रक्षा को मजबूत किया। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024 में भारत का राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.63% हो गया। अब हम देखते हैं कि अप्रैल में भारत के कोर सेक्टर की वृद्धि दर 6.2% बढ़ी है। अब आपके सामने जो पहला प्रश्न है, जिसका आप सभी बच्चे जल्दी से मुझे जवाब देंगे, कि हाल ही में अल्बर्ट एस रूडी का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में अल्बर्ट एस रूडी का निधन हुआ, वे कौन थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे। जल्दी से मुझे इसका आंसर दें, कौन इसका आंसर देगा बच्चा। और ये प्रमुख और जाने माने फिल्म मेकर रहे हैं। हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार द गॉड फादर और मिलेनियन डॉलर बेबी के लिए ऑस्कर जीतने वाले ये फिल्मकार रहे हैं, फिल्म निर्माता और टीवी निर्माता भी रहे हैं, और 94 ईयर में इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया। तो यह उद्घाटन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार ने नई दिल्ली में ये स्टार्ट किया इन्होंने। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इससे संदर्भित है वह है कि भारत सरकार में शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता के कैबिनेट मंत्री कौन है, तो हम ध्यान रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान। और ये स्टार्ट किया है फिएस्टा शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है। हाल ही में भारत और किस देश ने, हम देखते हैं तो ये भी हाल में जापान के साथ मिलकर आतंकवाद निरोध पर एक संयुक्त जो है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है टेररिज्म को लेकर। और ये भारत और जापान के मध्य का ये सहयोग है आपस में। और देखते हैं हम कि जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। 4 द्वीपों को मिलकर जापान बना हुआ है, 4 आइलैंड को, हुनशु, होकेडो, क्यूशु और शिकोगो। यहाँ की मुद्रा है येन और प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। तो ये स्टैटिक जीके में हम समझ जाते हैं इस प्रश्न को। ऊपर जो दिया है वो सीधा सीधा सा प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की यहाँ पर बात कर रहा है। और हम अगर देखें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसे हम भारत का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, यहाँ पर इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। ये आपके सामने है,
के क्लियर। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। ये बड़ी खुशखबरी है हमारे देश के लिए कि प्राइवेट सेक्टर में इस तरह से काम कर ले जाना अग्निकुल एक बड़ी उपलब्धि देश के लिए कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित अर्ध कार्योजेनिक इंजन द्वारा संचालित रॉकेट IST पर आकाश की ओर उड़ गया। और हम यहां समझ सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ये स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस का, जिसने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन द्वारा संचालित दुनिया का पहला रॉकेट अग्निबाण सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह प्रक्षेपण भारत के पहले निजी तौर पर विकसित महत्वपूर्ण लॉन्च पैड धनुष से हुआ है। सभी प्रश्न यहां पर बनने की पूरी संभावना है। और श्रीनाथ रविचंद्रन, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन मुथुट पंपाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो जो शाहरुख खान है उन्हें मुथुट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये थोड़ा सा मुथुट के बारे में बताया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष SSC की बात हो रही है नियुक्त किया गया है? तो राकेश रंजन को नियुक्त किया गया है। और जब हम बात करते हैं सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन की, अधीनस्थ सेवा आयोग, और इसी का जो नाम जो है 1977 में किया गया था कर्मचारी चयन आयोग, और इस आयोग का जो है मुख्य काम जो है वह एक ऐसा संगठन है भारत सरकार के अधीन जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को अधीनस्थ कार्यालयों एजेंसियों में विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करता है। SSC के एग्जाम के थ्रू इसी तरह से विभागों में भर्ती की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में एक हब के रूप में विकसित किया गया? तो हमें अच्छे से पता है कि जब हम राम और सीता की बात करते हैं तो भारत और नेपाल का संबंध सीधे सीधे दिखाई देता है। सीता जी का जो मायका था वो नेपाल में था, इसलिए ये काम शुरू किया है नेपाल ने। देख सकते हैं भारत के बाद अब नेपाल भी अपने धार्मिक तीर्थ स्थलों को बढ़ावा दे रहा है, और वहां की आम बजट जो बना है देश का उसमें जनकपुर धाम को डेस्टिनेशन वेडिंग हब और लुम्बिंग को बर्थिंग हब बनाने का ऐलान किया गया है। नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दशेश का हेड ऑफिस जो है बच्चों वो नेपाल में है। पशुपति नाथ मंदिर काठमांडू, राजधानी जो है वे काठमांडू है, और यहाँ के प्रधानमंत्री श्री पुष्प देहल प्रचंड और नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पोडेल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड की बात हो रही है मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो सिक्किम ने, ऑर्गेनिक स्टेट कहा जाता है। जब हम सिक्किम की बात करते हैं तो राजधानी गंगटोक और नथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है जो भारत और चीन को आपस में जोड़ता है। तिब्बत और भारत के बीच का जो संबंध है, और यहीं पर पहली बार यह नीति घोषित की गई है मासिक धर्म अवकाश नीति। सिक्किम उच्च न्यायालय जो देश में सबसे छोटा है, सिक्किम को चावल की घाटी कहा जाता है और इसकी राजधानी गंगटोक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया?
तो इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रांची में स्टार्ट किया गया, ये आंसर होगा इसका रांची। केंद्रीय इस्पात मंत्री की अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा हैं। इस्पात मंत्रालय भारत सरकार की एक कार्यकारी शाखा एजेंसी है जो भारत में इस्पात उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण के संबंध में सभी नीतियों को तैयार करती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है, तो ये काम जो किया है वो जापान ने किया है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा ने किया है। आपके सामने बड़ा क्लियर है, याद रखेंगे। ये पूछा जाता है कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, भारत की इसरो, तो अमेरिका की नासा और जापान की जैक्सा, एरोस्पेस एक्सप्लेनेशन एजेंसी है और इसने ये शुरुआत की है कि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए कोई प्लास्टिक का कचरा ना हो सके। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो गया, बनारस। बनारस बहुत ही अत्याधुनिक रूप लेता चला जा रहा है। बनारस की बात हम करेंगे तो सबसे पहले हमें BHU याद आ जाता है, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। चार बड़े विश्वविद्यालय हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर डिबेटियन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, UP स्पेशल में याद रखेंगे, इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है। और जब हम बात करते हैं बनारस की तो कुछ और शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये UPP री एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मंदिरों का शहर कहा गया, भुवनेश्वर को भी कहा जाता है, परंतु यूपी में देखा जाए तो बनारस को, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी, ये अनेक नामों से संबोधित किया गया है और इस तरह का प्रश्न आता रहा है। प्रश्न संख्या 13 कि हाल ही में हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, तो आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनाली है और मनाली पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है। और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो निशान लगाएंगे हम कटक में। देख लें, आपके सामने है कि राजधानी ये है मनीला है, 7107 द्वीपों के समूह है, इसकी मुद्रा है फिलीपीन पेसो, पीसो या पेसो कहा जाता है, ये इसकी राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है, लोकपाल का सचिव जो नियुक्त किया है प्रदीप कुमार त्रिपाठी को किया गया है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल सचिव नियुक्त किया गया है। और लोकपाल की अगर हम बात करें तो आप जो राजनीतिक दल बना है उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं इन्हीं जड़ों में है। 17 दिसंबर 2013 को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 संसद द्वारा पारित किया गया। माननीय राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को 1 जनवरी 2014 को अधिसूचित किया गया और 16 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ। लोकपाल 9 सदस्यों की एक समिति होती है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 न्यायिक सदस्य और अन्य क्षेत्रों के सदस्य शामिल होते। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु जो पहले हो जाए। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल के रूप में 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 2022 में रिटायर, और अब न्यायमूर्ति खान विलर भारत के दूसरे लोकपाल। सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जरूर नोट कर लें इन पॉइंट्स को। और अंतिम प्रश्न जो आपके सामने है, इसके साथ ही स्लाइड यहां समाप्त हो जाएगी, कल पुनः हम नए करंट अफेयर्स के साथ आएंगे। हाल ही में किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है, तो इमैनुअल सोबेरन को चुना गया है। देख लेते हैं आपके सामने है कि 91वां आम सत्र के दौरान विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने 5 साल के कार्यकाल के लिए
अपना महानिदेशक डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन को चुना है और 1924 में इस संगठन की स्थापना हुई थी जिसका हेड ऑफिस पेरिस में है। और इस संगठन के वर्तमान में जो कुल देश सदस्य हैं वो 182 है। करंट अफेयर्स के साथ कुछ स्टैटिक जीके की बात, और अगर रोज हम इस तरह की स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को लगातार लिखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तो आने वाले एग्जाम में ये हमारे लिए बहुत सहायक होगा। इसके साथ ही अब मैं इस स्लाइड को, अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।